पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है। बात दूसरे विश्व युद्ध के समय की है। जापानी फौज इम्फाल से भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी। जापानी फौज के 90,000 सैनिक ब्रिटिश इंडियन आर्मी की ओर बढ़ रहे थे और उनका इरादा इम्फाल को अपनी ओर करने का था। भारत के कुछ जासूसों ने यह पता लगाया कि जापानी सेना उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही है। उसी समय जमादार राव अब्दुल हाफिज खान की पलटन वहां पहुंच गई और उन्होंने पूरी तरह से उस जगह को घेर लिया। अब्दुल हाफिज ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 9वीं जाट रेजिमेंट में थे और वो खुद पंजाब के कलानौर से थे। उन्हें आदेश मिला था कि वो अपने 40 प्लाटून के साथ वो पहाड़ की चोटी पर तैनात हो जाए। यहाँ ना उनको कोई बैकअप मिलना था और ना ही किसी तरह की अन्य सुविधा। ये पूरी तरीके से एक सुसाइड मिशन था और ना जाने अब्दुल हाफिज ने अपनी पलटन से ऐसा क्या कहा कि उन सबको आज अपना अंतिम दिन प्रतीत होने लगा और डर बहुत दूर भाग गया। जापानी सेना के पास मशीन गन थी, उस मशीन गन के सामने इनकी आधी प्लाटून ढह गई थी। अब्दुल हाफिज के भी पैर पर गोली लगी थी, वो हार मानने वालों में से नहीं थे। आधी सेना के बलबूते उन्होंने मशीन गन के सामने आकर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया। हाफिज ने मशीन गन को चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। उनकी मशीन गन का बैरल गर्म हो गया था, पहले चाकू से उसे निकाला और फिर अपने बहादुर हाथों से उसे घुमाना शुरू कर दिया। सारी ओर से भी धड़ाधड़ गोलीबारी होने लगी, लेकिन हाफिज ने उन्हें जल्द ही बचाव करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, हाफिज ने ऑटोमेटिक गन अपनी कमर में बांधी और मैदान में कूद पड़े। सामने से निकली गोली उनकी छाती पर लगी, लेकिन ये बहादुर छाती पर गोली खाने से कहां रुकने वाला था। वो पेट के बल लेट कर गोलीबारी करने लगे और उन्होंने अपनी प्लाटून से कहा, अपने डिफेंसिव मोड में आ जाओ और मैं कवर फायर देता हूँ। ये उनके अंतिम शब्द थे। इस बहादुरी के लिए जमादार अब्दुल हाफिज राव को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। ऐसी एक सैनिक की कहानी लेकर आ रहे अब्बास मस्तान अपनी अगली फिल्म सोल्जर 2 में। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपके लिए एक गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। वेल दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।